अच्छा जी, तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर बेटे हम लोगों ने नमूनिया को स्टार्ट किया था और नमूनिया की कितने टाइप्स हैं, कैसे उसको इन्वेस्टिगेट करना है, उसकी सिवेरिटी को रूल आउट करना है, ना ट्रीट करेंगे तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो हमने देख ली थी। अब दो चीज़ें आप लोगों के पास रह गई हुई हैं, एक तो जाहिर है इसका ट्रीटमेंट प्लान है और एक ना आपकी बुक के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जिसमें बताया हुआ है ऑर्गेनिक स्पेसिफिक नमूनिया, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक और नमूनिया, हमने इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी एग्जाम अटैम्प्ट करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बनाकर दिए जाते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की, यानी स्ट्रेप्टोकोकस मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल नमूनिया का, अगर इसकी वजह से नमूनिया हो जाए तो क्या फीचर्स आपके जहन में होने चाहिए। वो कहता है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो हमें पता है कि ग्रैम पॉजिटिव लेंसेट कोकाई है, अगर हम इसके नेचर की बात करें, ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये पेशेंट के अंदर बेसिकली रस्ट कलर का स्पूटम जो है वो प्रोड्यूस कराता है, ठीक है, रस्टी स्पूटम जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। और ओवरऑल आपने याद रखना है ये मोस्ट कॉमन कॉज है बैक्टीरियल कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का, वो भी टिपिकल नमूनिया का, ठीक है। सो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया का मोस्ट कॉमन कॉज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी ही है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, इसके लिए आपने जो ड्रग ऑफ चॉइस देनी है पेशेंट को वो हमारे पास होती है पेंसिलिन जी या फिर होती है एमोक्सिसिलिन, ठीक है। सो ये बातें आपने इसकी याद रखनी है। कौन सी बातें आप याद रखेंगे? रस्ट कलर स्पूटम मोस्ट कॉमन कॉज एंड ड्रग ऑफ चॉइस। नंबर टू कौन सी स्पीशी हो सकती है? नंबर टू आपको पता है स्टेफ ओरियस, ठीक है। सो स्टेफेलोकोकस ओरियस या स्टेफ ओरियस आप लोग कह रहे हैं, तो स्टेफ ओरियस की जो बात है वो भी यही है कि लाइक स्ट्रेप्टोकोकाई ये भी क्या होती है? ग्रैम पॉजिटिव कोकाई होती है, लेकिन ये ग्रैम पॉजिटिव कोकाई लेंसेट की बजाय क्लस्टर शेप में होता है, ठीक है। नंबर टू इंपॉर्टेंट फीचर आपने याद रखना है कि ये येलो कलर का स्पूटम प्रोडक्शन कॉज करती है, ठीक है। और वो कहता है कि ये पेशेंट के अंदर बायलेटरल कैविटेटरी ब्रोंकोनमोनिया करती है। ये क्या करती है? पेशेंट के अंदर बायलेटरल कैविटेटरी नमोनिया, ब्रोंकोनमोनिया करेगी। कौन? स्टेफ ओरियस, रसवेयर इन्फेक्शन करता है, ठीक है। अब इसके लिए भी जो ड्रग ऑफ चॉइसेस होती हैं वो इनिशियली हम लोग स्टार्ट कराते हैं पेंसिलिन वगैरह, एमोक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन। अगर उससे रेजिस्टेंट हो जाए और मेथसिलिन सेंसिटिव स्टेफेलोकोकस ओरियस होगा तो फिर हम लोग उस पेशेंट को क्या देते हैं? हम उसको देते हैं फ्लॉक्सिसिलिन, ठीक है, या जो भी इसको बोलते हैं फ्लॉक्सिसिलिन। लेकिन अगर ये मेथसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस होगा तो फिर इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो वैंकोमाइसिन है, ठीक है। तो आपने स्टेफ ओरियस में क्या याद रखना है? ग्राम पॉजिटिव कोकाए है, क्लस्टर शेप्स में होता है, येलो स्पूटम करता है, बायलेटरल कैविटेटरी ब्रोंकोनमोनिया कॉज करता है। ड्रग ऑफ चॉइस फ्लॉक्सिसिलिन बोलते हैं उसको बेटे, इसकी स्पेलिंग है FLUCOXACILLIN, फ्लॉक्सिसिलिन है, ठीक है, वरना फिर हम वैंकोमाइसिन दे देते हैं। नंबर थ्री हमारे पास आता है हीमोफेलिस इन्फ्लुएंजा। अब हीमोफेलिस इन्फ्लुएंजा की ये बात आपने याद रखनी है कि मोस्टली हमारे पास जो COPD और स्मोकर है ना, उनके अंदर नमूनिया अगर होना है तो इसकी वजह से होना है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो उनकी निस्बतन ये बेसिकली ग्रैम नेगेटिव रॉड होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि इसके पास क्या मौजूद होता है? पॉलीसेक्राइड कैप्सूल मौजूद होता है और ये एसोसिएटेड होता है, आपने याद रखना है, एक COPD के पेशेंट या क्रॉनिक स्मोकर को क्या हो जाए? नमूनिया हो जाए तो वो मोस्टली हीमोफेलिस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, ठीक है। सो किसकी वजह से होता है? हीमोफेलिस इन्फ्लुएंजा की वजह से ही हो रहा होता है। और कहता है कि एक्यूट एग्जेसिबरेशन जब होती है ना एस्मा की, ठीक है, सॉरी एक्यूट एग्जेसिबरेशन COPD की होती है तो उसके लिए मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज हीमोफेलिस इन्फ्लुएंजा ही है, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास होता है क्लेबशेला नमूनी, ठीक है। सो ये जो क्लेबशेला है इसकी क्या खास बात है? ये भी वो कह रहा है के ग्रैम नेगेटिव रॉड है। अब ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए याद करना मुश्किल है, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी याद कर लेंगे तो वो भी बहुत है, ठीक है। और इसका वो कहते हैं म्यूकॉइड्सा कैप्सूल होता है, ये जो इसका म्यूकॉइड्सा कैप्सूल होता है इसकी वजह से हम इसको फ्रेंड लैंडर स्पेशलिस्ट भी कहते हैं। आपने याद रखना है कि इसकी एसोसिएशन होती है एल्डरली लोगों में, यानी जो बूढ़े लोग हैं नर्सिंग होम में रहते हैं, या वो जो कि क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं, या फिर वो जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर अगर नमूनिया है तो वो क्लेबशेला की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि ये करंट जेली स्पूटम जो है उसकी प्रोडक्शन कराता है। क्या कराता है? करंट जेली स्पूटम प्रोडक्शन, ब्लड टिंच्ड सा थिक सा म्यूकॉइड सा स्पूटम होता है। और इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो हमारे पास होती है सेफ्ट्रेक्सोन, जो कि बेसिकली थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। अब ये जो मैं गंध में चाह रही हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन नो अदर ऑप्शन, तो आपने ये करना तो है ही, आप बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लेजिनेला नमूनी, ठीक है।
ये जो लेजनेला है, हमने कहा था कि ये टिपिकल नमूनिया करता है, ये भी इट सेल्फ क्या है, ग्रैम नेगेटिव रॉड है। क्या है बेटे? ग्रैम नेगेटिव रॉड है। और इसकी एसोसिएशन होती है बेसिकली वाटर कूलर्स के साथ, एयर कंडीशनिंग रूम या वेंटिलेटिंग सिस्टम एयर कंडीशनिंग रूम्स वगैरह के साथ, ठीक है। सो मोस्टली अगर पेशेंट जो है वो ये कह रहे हैं ना, उसने होटल स्टे किया, कहीं गया हुआ था, वहाँ पर मोस्टली जो नमूनिया हो जाता है वो लेजनेला होता है। इसके लिए भी जो रिस्क फैक्टर है वो यही है कि पेशेंट अल्कोहलिक हो सकता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, और कोई भी ऑर्गन रेसिपिएंट वाला पेशेंट जिसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो हो सकता है। ये वो नमूनिया है जिसके जीआईटी सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, यानी पेशेंट को साथ में एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, और साथ में सीएनएस सिम्टम, हेडेक कन्फ्यूजन, हाइपोनट्रीमिया और ड्रेंज एलएफटीज हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट टू रह गए जी, आपने परेशान नहीं होना। नंबर वन हमारे पास होता है माइकोप्लाज्मा नमूनी। माइकोप्लाज्मा का आपने याद रखना है ये रिद्रीमा मल्टीफॉर्मे के साथ एसोसिएटेड होता है, मल्टीफॉर्मे माइकोप्लाज्मा। और एक बहुत जवान बच्चे को नमूनिया हो जाए ना एटिपिकल, तो उसके लिए भी मोस्टली माइकोप्लाज्मा ही रिस्पॉन्सिबल है। कहते हैं ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती, ना ही ये ग्रैम स्टैनिंग पे विजिबल होता है। ये हमेशा एटिपिकल नमूनिया करता है और इन एसोसिएशन विद एरिथ्रीमा मल्टीफॉर्मे पाया जाता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस ये हैं कि ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज कर सकता है और गुलिया बारे सिंड्रोम करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइस्थीनिया एंड गुलिया बारे सिंड्रोम, ये आप लोगों में से कोई बच्चा बताएगा। उसके बाद लास्ट चीज़ होती है सूडोमोनास एरोजिनोसा। तो ये क्या करता है? ये भी ग्राम नेगेटिव रॉड है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ग्रीन कलर का स्पूटम प्रोड्यूस कराता है। क्या कराता है जी? ग्रीन कलर का स्पूटम प्रोड्यूस कराता है। ये मोस्ट कॉमन कॉज है नोजोकोमियल नमूनिया के लिए, और ये मोस्ट कॉमन कॉज डेथ का बनता है उन लोगों में जिनको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। अब सो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बेटे ये था कि रस्ट कलर स्पूटम किससे प्रोड्यूस होता है, येलो स्पूटम किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो ग्रीन स्पूटम जो हमने देखा लास्ट स्पीशी की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि अस्थमा के साथ या सीओपीडी के साथ किसकी एसोसिएशन है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की एक्यूट एग्जेजरेशन भी यही कराता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में डेथ कौन कॉज कराता है? ये कराता है। एरिथ्रीमा मल्टीफॉर्मे के साथ कौन एसोसिएटेड है? माइकोप्लाज्मा। एयर कंडीशनिंग होटल स्टे के साथ कौन एसोसिएटेड होता है? लेजिनेला, ठीक है। और स्टेफोरियस में हमने कहा कि वो क्या करता है? यूजली बायलेटरल कैविटेटरी, और ये मोस्ट कॉमन कॉज है फॉर नमूनिया। तो मुश्किल था लेकिन आप लोग कर लेंगे क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हैं। उसके बाद अब हम लोगों ने लास्ट चीज देखनी है कि इस पेशेंट को हम ट्रीट किस तरह से करते हैं, यानी जब पेशेंट को नमूनिया हो जाए तो बहुत ही आसान सा ट्रीटमेंट है। चूंकि इन्फेक्शन है तो ज़्यादा सी बात है आपने क्या देनी है, इसको एंटीबायोटिक्स ही देनी है, बाकी तो कोई चॉइस हमारे पास नहीं होती है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो ट्रीटमेंट की होती है वो यही होती है कि हमने ये डिसाइड करना है कि जो पेशेंट है उसको हम लोगों ने इम पेशेंट ट्रीट करना है या आउट पेशेंट ट्रीट करना है, ठीक है। यानी हमने इसको हॉस्पिटल में ही रखना है या घर भेज देना है, और ये हमने किस तरह से करना है ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्रप स्कोरिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्लिनिकल डायग्नोसिस पर डिपेंड करता है, चेस्ट एक्सरे पर करता है, उसकी ब्लड सी पी पे करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है डिसाइड वो हमारे पास बेटे क्रप स्कोरिंग ही है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं दूसरी बात आपने याद रखनी है ड्यूरेशन की, जो बेसिकली कम्युनिटी क्वाइट नमूनिया है या हॉस्पिटल एक्वाइर्ड नमूनिया है। कम्युनिटी क्वाइट नमूनिया में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है वो हम 5 से 7 दिन ही करते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो सकता है, ठीक है। ये प्रोलॉन्ग हो सकता है अगर पेशेंट के सिम्टम इम्प्रूव नहीं हो रहे या उसका फीवर कम नहीं हो रहा। और जो हॉस्पिटल एक्वाइर्ड नमूनिया है उसका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हम 8 दिन करते हैं, लेकिन 15 दिन भी कर सकते हैं अगर हमारा जो पेशेंट है वो क्या है, उसको सूडोमोनल इन्फेक्शन हुआ है या ग्राम नेगेटिव रॉड्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो 15 दिन भी कर सकते हैं। नाउ सिर्फ 2 ही ऑप्शन होती हैं आपके पास कि एक आपने आउट पेशेंट यानी उसको घर भेज देना है, और एक आपने इन पेशेंट उसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। अब जब हम उसको घर भेज देते हैं तो यहाँ पे ना उन्होंने 2 सिनेरियोस बताए हुए हैं। उन्होंने कहा कि पेशेंट एक तो उसकी एज जो है वो 60 ईयर्स से कम है, ठीक है, और साथ में वो कह रहा है कि प्रीवियसली हेल्दी पेशेंट है, यानी पहले उसको कोई भी इस तरह का इन्फेक्शन या टीबी या कुछ भी इस तरह की सिग्निफिकेंट कंप्लेन नहीं है, और वो कह रहा है कि पिछले 3 महीनों में मैंने कोई भी एंटीबायोटिक्स यूज नहीं किए हैं, ठीक है। तो इन पेशेंट को हम लोग जरा लो डोज एंटीबायोटिक्स, इसमें हमारे पास क्या आती हैं, मैक्रोलाइड्स दे देते हैं, ठीक है। और मैक्रोलाइड में बेटे आपके पास एजिथ्रोमाइसिन या क्लोरिथ्रोमाइसिन आप दे सकते हो, या नंबर 2 हम क्या देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन। सो मैक्रोलाइड या डॉक्सीसाइक्लिन हम इनको दे देते हैं। ये किन स्पीशीज को ड्रग्स कवर करती हैं? स्टेफ
स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, माइकोप्लाज्मा, क्लमीडिया और लेजनेला। नंबर टू वो कह रहा है कि इसी के अंदर आपके पास ये वाला क्राइटेरिया भी है कि पेशेंट की एज 60 से ज़्यादा है और वो हेल्दी नहीं है, उसको प्रीवियसली इन्फेक्शन या बीमारी की हिस्ट्री है और पिछले 3 महीनों में उसने एंटीबायोटिक्स यूज़ की हुई हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स के नाम से जो ड्रग्स हैं जिसमें हमारे पास लिवोफ्लॉक्सासिन या फिर हमारे पास उसके अंदर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो देते हैं नंबर वन। या फिर वो कह रहा है कि आप इस पेशेंट को मैक्रोलाइड प्लस सेकंड या थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दोगे, ठीक है, या फिर आप इसको जो है या फिर आप क्या करोगे मैक्रोलाइड और हाई डोज एमोक्सिसिलिन और क्लेविलिनिक के से। ठीक है, सो या तो आपने रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन डायरेक्टली दे दिए या मैक्रोलाइड और सेकंड थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन या मैक्रोलाइड और उसमें हाई डोज एमोक्सिसिलिन और क्लेविलिनिक एसिड दे दिया। ठीक है, सो ये बात हो गई इसकी। नंबर टू होता है एम पेशेंट जिसको हमने एडमिट कर लिया, उसको भी हम सेम ट्रीटमेंट रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन लिवोफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन देते हैं और प्लस हम इसके अंदर क्या कर देते हैं या फिर हमारी मर्जी है कि हम सेफ्ट्रेक्सोन दे दें जो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है और इस सेफेलोस्पोरिन के अंदर क्या करेंगे मैक्रोलाइड्स ऐड करेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। अब ये हो गया, अब दो ही ना उन्होंने बहुत आसान से आपकी बुक के अंदर बेटे बताया हुआ है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया, ठीक है, और नंबर टू वेंट एक्वायर्ड नमूनिया। इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया आप हॉस्पिटल में हो और आपको इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और वो कह रहा है कि ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, ई कोलाई वगैरह की वजह से होता है। सो मैक्रोलाइड्स इनमें बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। सो इनमें जब हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है तो इनमें हम एंटी सूडोमोनल एंटीबॉडीज़ देते हैं जिसमें बेसिकली हम लोगों ने पेंसिलिन ही देनी होती है। एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन आपको पता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है दैट इज़ पेप्रासिलिन और टेजोबैक्टम, या फिर हम लोग एंटी सूडोमोनल सेफेलोस्पोरिन अगर देना चाहते हैं यानी सेफेलोस्पोरिन तो फिर मेरा ख्याल है फोर्थ जनरेशन सेफ्टाजाइडाइम, ये फर्स्ट जनरेशन होती है, और सेफीपाइम ये दे सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कार्बीपेनम देना चाहते हैं तो फिर हम जो है वो एमीपेनम और मीरोपेनम दे देंगे। तो ये डिपेंड करता है हमने क्या देना है। और सेम एज जो वेंट एक्वायर्ड नमूनिया है उसमें भी ऑलमोस्ट यही ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी ऑल्टरेशन है। वेंट वाला जो पेशेंट है जब वो वेंट पे लग जाता है तो उसकी जो क्लियरेंस मैकेनिज्म है वो खराब हो जाता है, प्रॉपरली कफ नहीं कर सकता और म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होती है तो पेशेंट को नमूनिया हो जाता है। नमूनिया के क्या सिम्टम है, उसको कंटिन्यूसली बुखार है, WBC काउंट रेज्ड हो रहा है, चेस्ट एक्सरे पे नए सिरे से इन्फिल्ट्रेट्स हैं, पोलवेंट सिक्रीशन जो है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब से निकल रही हैं। हम समझ जाते हैं कि ये नमूनिया हो गया है और यहाँ पे फिर हम ट्रैकियल एस्पिरेट जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, ब्रोंकल व्यूलर लिवाज या वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपी या लंग ओपन बायोप्सी। और ट्रीटमेंट बेटे एक हमने एंटी सूडोमोनल मतलब इन तीनों में से एक एंटीबायोटिक डालनी होती है प्लस हम लोग रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन या जेंटामाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन डालते हैं प्लस वेंकोमाइसिन या लैनिजोलिड में से एक ड्रग डालते हैं। ठीक है, अब आप ये देख लेना, जरा वीडियो जरा ज़्यादा लेंथी होगी इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन स्टिल समझना है, कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वैसे ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन जो आपका कम्युनिटी क्वाइड नमूनिया है वो अपने अच्छे से करना है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन, क्रॉप स्कोरिंग और ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया कि आप जो है वो मोस्टली मैक्रोलाइड, डॉक्सीसाइक्लिन या रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विन, मैक्रोलाइड और यही ड्रग्स जो है वो दे रहे होते हो। ठीक है,